रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स। दिस इज़ हमना बिनत शहजाद। आर मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर नर्सरी का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। और आज जो नंबर हम देख रहे हैं वो हमारे पास है नंबर 2। जब नंबर 2 के बारे में बात करते हैं तो नंबर 2 को लिखने के और बताने के बहुत से तरीके हैं। लाइक 2 हम उंगली से बना सकते हैं, कोई से 2 ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, नंबर वर्ड्स में 2 लिख सकते हैं, और साथ ही जो हम लूडो खेलते हैं, लूडो का डाइस होता है, उसके ऊपर भी 2 आ जाता है। तो फिंगर से कैसे शो करेंगे? 2, दिस इज 2। नाउ क्या आप मेरे साथ 2 फिंगर्स को होल्ड कर सकते हैं? लाइक दिस, इट्स 2। नाउ इसी तरीके से हम नंबर 1 में 2 लिखेंगे, ये इसके स्पेलिंग्स हैं। इसी तरीके से जो हमारा लूडो का डाइस होता है उसके ऊपर ये 2 डॉट्स हमारे रिप्रेजेंट करवा रहे होते हैं, और ये हमारी एक नंबर शेप है। कोई से 2 ऑब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं। इसी तरीके से नंबर लाइन के ऊपर हमारा नंबर 2 किधर है? सी, हेयर इज आर नंबर 2। इसी तरीके से यहाँ हमारा नंबर 2 किधर है? इसी तरीके से अगर हम अपना नंबर 2 यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा नंबर 2 है। नाउ अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक गेम है। इस गेम में ये एक रोड है, और ये जो हमारे पास सैम है, ये सैम हमारे पास इस रोड पर सिर्फ 2 ही कार्स लेकर जा सकती हैं। सी, कौन कौन सी कार्स जाएंगी? 1, एंड दिस इज़ कार नंबर 2। अगली कार्स हमारे पास नहीं जाएंगी, क्योंकि ये नंबर 2 है तो हमने सिर्फ 2 कार्स ही लेके जानी है। जी, अब यहाँ पर बेसिकली हमें वो वाला जार चाहिए जिसमें 2 कैंडीज हैं। ये वाला जार भी नहीं ले सकते, इसमें ज़्यादा है, हम ये वाला जार भी नहीं लेंगे। तो हम कौन सा जार लेंगे? हम ये वाला जार लेंगे। वेल डन। नाउ नंबर 2 को हम बहुत तरीक़ों से लिख सकते हैं। आपको अपने क्लासरूम्स के भी रूम नंबर नज़र आते होंगे, तो 2 ऐसे लिख सकते हैं। आपको जो वॉल क्लॉक होती है उसके ऊपर भी 2 लिखा हुआ नज़र आ सकता है। तो बेसिकली नंबर 2 हमें हर जगह नज़र आ जाएगा। हमें किसी पेपर पे नज़र आएगा, किसी बुक में नज़र आएगा, अगर किसी की बर्थडे हो रही है तो उसके ऊपर 2 कैंडल्स की फॉर्म में नज़र आ सकता है, किसी रूम का नंबर हो सकता है नंबर 2, कोई से 2 ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो कि नंबर 2 की फॉर्म में हमारे पास हो। नाउ अब यहाँ पर हमारे पास नंबर 2 का चैलेंज है। सो देखते हैं, हर स्टार में हमारे पास एक चैलेंज है। इस स्टार में हमारे पास क्या चैलेंज है? यस जी, जल्दी से अपनी क्लास में से वो ऑब्जेक्ट ढूंढें जिस पे नंबर 2 लिखा हुआ है। हमारे पास सामने वॉल क्लॉक लगी हुई है, उस पे भी 2 लिखा हुआ है। मेरे पास रिस्ट वॉच है, उस पे भी 2 लिखा हुआ है। इसी तरीके से आप अपनी क्लासरूम में नज़र दौड़ाएं, आपको बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। नाउ अब हम देखते हैं कि हमारे पास और क्या है। अब ये पिंक स्टार हमें क्या कह रहा है? पिंक स्टार हमें कह रहा है कि हम कोई से 2 ऑब्जेक्ट लेकर आएं जो कि नंबर 2 है। 2 ऑब्जेक्ट, तो ये मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है, तो ये भी मेरे पास नंबर 2 हो गया। ये हमें क्या कह रहा है? यस, यहाँ पर नंबर 2 हमें कह रहा है कि क्या आप 2 दफ़ा हॉप कर सकते हैं? ज़रूर कीजिएगा, ट्वाइस, तो ये भी नंबर 2 हो जाएगा। और ग्रीन स्टार हमारे पास क्या कह रहा है? ग्रीन स्टार कह रहा है कि भी चैलेंज है, कैन यू होल्ड 2 फिंगर्स एंड मेक लाइक 2 दिस? यस, दिस इज ऑल्सो अ 2। चलें जी, अब ये नंबर 1 हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहा है कि हमने अपना काम कर लिया है, नाउ वी आर एन एक्सपर्ट ऑन नंबर 2। तो सबसे पहले अपनी बैक पे 2 पैट्स दीजिए, यानी कि 2 थपकियां, कैसे? लाइक दिस, यस, एंड 2 क्लैप्स करें अपने लिए, लाइक दिस। ठीक है जी, तो ये 2 का नंबर था। अब हम चलते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 28 पे। पेज नंबर 28 पे काउंट एंड रीड। जब हम काउंट एंड रीड के बारे में बात कर रहे हैं तो काउंट एंड रीड में लाइक 2 जिराफ्स। आगे हमारे पास है सर्कल द नंबर 2, एक सर्कल हुआ हुआ है, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 2। अब चलते हैं पेज नंबर 29 पे, ट्रेस एंड राइट 2। जी, ये आपने इसको ट्रेस किया और इसी तरीके से आपने इसको राइट करना है। ठीक है जी, एक रो में आपको करके दिखाऊंगी, बाकी आपने अपनी टीचर की मदद से कंप्लीट करनी है। ये डॉट को फॉलो करते हुए आपने 2 को लिखना है। इट इज़ वेरी इजी टू राइट। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।